इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भरत भैया कहते हैं, आप सबको सब कुछ देते हैं तो हमारे कुल में तो देने की परंपरा है, मांगने की कभी परंपरा पड़ी नहीं। आजकल तो ये बात बेमानी हो गई है, क्या मांगना क्या देना, चाहे जहां ले लो, चाहे जिससे ले लो, चाहे जैसे झीट लो, चाहे जैसे खींच लो। आया था ना एक, आया था हमको बताने कि आप कोई मंत्र जानता हूँ, चाहे जैसे पैसा खींच लिया जाता है। मैंने कहा क्या करेगा खींच के पैसा, कल अगली बार तो दिखाई ना पड़ना तुम। हम भजन करने निकले हैं, खींचने निकले हैं। कल हमारे सुपुत्र कह रहे थे कि कोई सेवा करना चाहते। देखिए हमारी जो सेवा है उसके लिए अकेले शेषराम बाबू पर्याप्त हैं। बहुरानी और शेषराम जो हमारी सेवा कर रहे हैं, हम बड़े प्रसन्न हैं साहब। इसलिए आप में से जिसको भी सेवा करनी है, और चारों ओर महात्मा लोग हैं, कहीं जाके सेवा करिए, हमारे पर कृपा बनाए रखिए, कथा सुनिए और मस्त रहिए। हर नगन फिटकरी चोखा चोखा चोखा, हाँ एकदम आनंद में रहिए, आनंद में बहिए। और मिलने मिलाने का भी ऐसे ही रखिए। अयोध्या जब हम आएंगे चैत्र नवरात्र में मिलिएगा, यहाँ तो बस आनंदे मूर्ति बना के रखिए, हाँ मगन रहिए। भरत भैया क्या कहते हैं, हमारे कुल में देने की परंपरा है, मांगने की नहीं। लेकिन आज हमारे कुल पर ऐसा अवसर आ गया है, मांगो भीख त्यागे निज धर्म, क्योंकि आरत का न करे। आर्थ व्यक्ति क्या कुकर्म नहीं कर बैठता। आरत कहे बिचारी न काऊ, सूझ जुआरी आपन गाऊ, आपन गाऊ। आरत के चित रहे न चेतु, पुन पुन कहे आपने हेतु। थोड़ा हमारे सुन लो, हमारे एक मित्र हैं प्रकाश भैया, वो एक कथा सुनाते हैं। एक आदमी को अपने घर में कोई पूजन करना था तो दूसरे गांव के भाई से कहा कि भैया शुद्ध देसी घी पूजा में लगेगा तो जरा व्यवस्था करते आप। तो एक लोटा शुद्ध घी, तब तो ऐसे मांगे मिल जाता था, खरीदना पड़ता नहीं था। तो बोले हाँ हाँ हो, पांच गौ माताएं हम व्यवस्था करब। इतने में उनके बड़े कक्का नहीं रहे जिनके गैया थी, तो 15 दिन बाद वो आए, कहे कि भैया हो पूजा का समय आ गया है, हम आपसे कुछ कह रहे हैं। अब जिनको देना था वो कह रहे हैं भैया का बतावें, थोड़ा तैयार तो किए थे लेकिन हमारे बड़े कक्का नहीं रहे। अब मैं रोज रिश्तेदारन का आना जाना, चाय पानी मीठा मटकरा और फिर रहें तेरें कैसे भाई, सब उसमें चला गया। तो हम क्या कहें आपको, कुछ कहते नहीं बनता है। तो जो मांगने आए थे बोले, अरे महाराज जिया तो सब लगले रही तो जीवन का काम बा, हमारी घिया का हुआ। पुन पुन कहे आपनो है तू, सामने वाले की भी कोई समस्या है, इससे कोई संवाद नहीं रखना चाहता।
हमार वाला काहू तोहरो होई होई सो जराम रच राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। भरत जी यहां तक नहीं, नारायण थोड़ा मांगते क्या है, न मांगने वाला मांग भी नहीं पाता है। हम आपसे कह रहे भुलाई गए, आदत में नहीं है ना। आप जब नहा रहे थे तब आपसे कह रहे हैं, हम कहां कह रहे हैं। तो भरत जी को विस्मरण हो गया कि हमको क्या मांगना है, तो तीर्थों के राजा ने स्मरण कराया। अर्थ भरत जी बोले नहीं, धर्म बोले नहीं, काम हाँ, मोक्ष ना। देखिए दोहा, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो जन्म जन्म रति राम पद वर लोग मुझे कुटिल जाने, स्वामी और सतगुरु से द्रोह करने वाला जाने, फिर भी हे तीर्थराज ऐसी कृपा करिए क्या। अत से ताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे राम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदिन तीर्थराज। श्री सीताराम जी के श्री चरणों में हमारी प्रीत दिन प्रतिदिन और दृढ़ता को प्राप्त हो। चातक की रटनी लगी रहे, स्वाती की बूंद चाहिए तो आकाश से पत्थर की वृष्टि होने लगे, फिर भी उसकी टेक मिटनी नहीं चाहिए, लगी रहे। जिस प्रकार सोना आग में तपता है तो उसमें चमक और बढ़ जाती है, उसी प्रकार प्रेतम का वियोग जितना बढ़ेगा उतना प्रेम और दृढ़ता को प्राप्त होगा। आप अनुग्रह करिए मेरा प्रेम और दृढ़ता को प्राप्त हो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।